नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम टू WW वेदास, ओनली वेदास डॉट कॉम। मैं आज आपको ग्रहों के बारे में बताऊंगा। मैं यहाँ पे हाउस नंबर 6 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज़ रिपू। रिपू एनिमी का घर, दुश्मन का घर। इससे क्या होता है, आपके एनिमीज दुश्मनियाँ, कलर्स, लड़ाई झगड़े। अच्छा, डाइजेस्टिव ऑर्डर, पेट की बीमारियाँ, पेट में दिक्कत डाइजेशन की, और कोर्ट के रिलेटेड आप काम करेंगे। जैसे कोर्ट में हाथ से काम, कोई टाइपिंग का होता है, ठीक है। तो अब देखिए, आप कोर्ट में कई सारी जॉब्स होती हैं। अब आपके ग्रह में ऐसी प्लेसमेंट हैं कि आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। जातक एस्ट्रोलॉजी में जो कंसर्न पर्सन की हॉरोस्कोप बनाते हैं उसको जातक बोलते हैं। तो जातक के अगर हॉरोस्कोप में ये सब चीज़ें हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि भैया, आप ऐसी कोई जॉब ढूंढ लीजिए जहाँ पे आपको कोर्ट की काम करने मिल जाए, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में कोर्ट के चक्कर काटना है। तो अगर आप वहाँ पे ऐसे जॉब कर लेते हैं, ठीक है, कोई टाइपिंग का काम है वहाँ पे, कोई आवाज़ बीमार होता है। मैं जज की बात नहीं कर रहा, जज देखिए वो एक अलग सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। मैं कोर्ट के स्टाफ की बात कर रहा हूँ, कोर्ट में जो भी एम्प्लॉइज़ और लोग कोर्ट कम्प्लेक्स में काम करते हैं, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ। तो हम उसको ये कह सकते हैं कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख लें तो आपका जो ये पीरियड है वो निकल जाएगा। कई लोग किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वहाँ पे कोर्ट केसेस डील करने होते हैं, तो जहाँ वो भी कोर्ट में रहे हैं, ठीक है, उनकी भी दशा वही चल रही थी कि कोर्ट की, लेकिन वो कोर्ट में जा रहे हैं एज एम्प्लॉय, या उनको वो डर, वो फियर्स नहीं है उनके अंदर। अब मैं हाउस नंबर 12 बता रहा हूँ आपको। दिस इज़ व्यय। व्यय मीन्स खर्चे का, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, ठीक है जी। अब इस घर में क्या है कि इस घर में स्टार्स बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शन करते हैं, ठीक है। या तो आपको बहुत कमाई होगी या आपको बहुत लॉसेस होंगे, जो चलते रहेंगे लॉसेस। फिर आपने बाहर जाना है। बाहर जाना एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि आपको अपने जगह पे, आपके प्लेस ऑफ बर्थ में तरक्की नहीं है, आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। लॉन्ग जर्नीज, इसमें पैर भी शामिल होते हैं। अब जेल का भी यहीं से आता है। अब जेल में भी देखिए, कई सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं, कई स्टाफ होते हैं, जेल में डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं। तो अब आपने जेल, मतलब कोई एक्टिविटी करके जाना है, या फिर आप वहाँ पे उस पीरियड के लिए वो आप कोई जॉब ढूंढ लीजिए या वहाँ से एसोसिएशन कर लीजिए, तो उस ग्रह का जो इफ़ेक्ट है वो माइल्ड डाउन हो जाता है। अब देखिए, चाकू के बारे में बता रहा हूँ। चाकू एक डॉक्टर भी यूज़ करता है, चाकू एक किसी से अनजाने में या जानबूझ के कोई हादसा भी हो जाता है। तो अगर जज को पता हो कि आपके हॉरोस्कोप ऐसे था कि आपके साथ एक चाकू से वारदात होनी थी, तो वो शायद माइल्ड डाउन हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम ये बता सकते हैं कि आपके से चाकू का प्रयोग होगा, तो आप फिर ऐसे डॉक्टर चले जाएँ। डॉक्टर के साथ कई सारे स्टाफ होते हैं, ठीक है, तो कई चीज़ें नलीफाई हो जाती हैं। अब हॉस्पिटल में भी देखिए, कई जॉब्स ऐसी होती हैं, मीनियल जॉब्स, मतलब जो हर कोई पसंद काम करना पसंद नहीं करेगा, तो वो भी जॉब करते हैं लोग। वो भी बिकॉज ऑफ हॉरोस्कोप के कारण ही होता है कि आपके हॉरोस्कोप में कैसे स्टार्स हैं। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर देखिए, हम चीज़ें आपकी माइल्ड डाउन कैसे कर सकते हैं कि हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी कचहरियाँ हैं तो हमने आपको कुछ ऐसा बता दिया, आपके अगर जेल जाने का है या आपसे कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, तब हम आपको बता सकते हैं कि आप कोई ऐसा काम कर लीजिए, ठीक है, जिससे डॉक्टर सर्जन के साथ एसोसिएशन हो जाए आपकी। तो काम तो आप वो भी कर रहे हैं, तो चीज़ें आपकी नलीफाई हो जाती हैं, ठीक है। तो सर्जन एक अकेले 12th हाउस से नहीं बनते, उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये है कि हम इसको आपकी चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का आदमी ध्यान रख सकता है, तो ध्यान रखने से चीज़ें काफ़ी माइल्ड डाउन होती हैं। तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक्सप्लेन करूँगा। दिस इज़ रिगार्डिंग 8th। ये भी आपको आपके माइंस इंश्योरेंस के पैसे, ठीक है, तो ये भी मैं कभी एक्सप्लेन करूँगा आपको। अभी 6th और 12th, इससे क्या कि इससे हम चीज़ें कई मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लोग बोलते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो यूज़ ये है कि हम उसको बता सकते हैं कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख लीजिए, तो आपको चीज़ें काफ़ी नलीफाई हो जाएंगी आपकी। यू आर वेलकम टू WW ओनली वेदास डॉट कॉम।